दोस्तों नमस्कार। आजकल कॉर्पोरेट्स बहुत परेशान हैं। वो कॉर्पोरेट्स ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया था। ऐसे ही एक था छी न्यूज, जिसके बारे में सुधीर चौधरी को आप सुनते होंगे, अपने चैनलों पर डिबेट करते थे। लेकिन दोस्तों अब उनके मालिक हैं, मालिक का नाम है सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा बड़े परेशान हैं आजकल। राज्यसभा के सांसद भी चुने गए हैं बेईमानी से, राज्यसभा के उसमें एक वोटिंग का लफड़ा भी हुआ था, तो उस बारे में तो मीडिया कोई बताता नहीं है आजकल, ना उसकी कोई रिपोर्टिंग बताता है कि हुआ क्या। लेकिन सुभाष चंद्रा जो है सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने एक अपना खबर आई है उनके बारे में, सुभाष चंद्रा ने एक पद से जाहिर किया है कि उनकी पत्नी पर वित्तीय संकट लहरा गया है और सरकार के इतने करीब होने के बाद भी सुभाष चंद्रा को लोन नहीं मिल रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक हालत में है, इनके चैनलों पर मोदी के बिजनेस मंत्रों की तारीफ हुई थी। याद रखिए, बिजनेस मोदी के बिजनेस मंत्रों की तारीफ हुई थी इनके चैनल पर और ये नहीं लोन नहीं मिल रहे, और इन्हीं तारीफों के बीच इनका बिजनेस लड़खड़ा गया है। सुभाष चंद्रा क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग देश का मनी बैंक से लूटते हैं एक ऐसे तरीके से जो आम आदमी की समझ में नहीं आता। 90,000 करोड़ के डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए। IL&FS कंपनी डूबी तो आप भी डूबेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ये मैं पहले भी रिपोर्ट डाल चुका हूं। ये उन्होंने जो पत्र में लिखा है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बताने लायक है आपको दोस्तों। लिखा है उन्होंने, सबसे पहले तो मैं वित्तीय समर्थकों से दिल की गहराई से माफी चाहता हूं। मैं हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करने में अव्वल रहा हूं। अच्छा, आज 4.5 साल बाद अपने फैसलों की जवाबदेही देता रहा हूं, आज ही वही करूंगा। 52 साल के कैरियर में पहली बार मैं अपने बैंकर और म्यूचुअल फंड गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों से माफी मांगने के लिए मजबूर हुआ हूं। मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा हूं। कोई अपना कर्ज चुकाने के लिए मुकुट का हीरा नहीं बेचता है। प्रक्रिया चल रही है तब कुछ शक्तियां हमें कामयाब नहीं होने देना चाहती। वो शक्तियां कौन है? मेरी तरफ से गलती हुई तो मैं उनकी सजा भुगतने को तैयार हूं। मैं हर किसी का कर्ज चुकाऊंगा। ये वही सुभाष चंद्रा है जो मोदी के गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, जिनका मीडिया चैनल उनके गुणगान करते नहीं थकता था, जिनका मीडिया चैनल जवाहरलाल नेहरू के बारे में फेक न्यूज चलाने से पीछे नहीं हटता था। इन्हीं का वही छी न्यूज राहुल गांधी के बारे में और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बारे में बुरी न्यूज या गंदी न्यूज या फेक न्यूज चलाने से पीछे नहीं हटता था। आज उनकी ये हालत हो गई है कि मोदी जी बोलते थे मैं तो दोस्तों का दोस्त हूं, लेकिन वो तो दोस्तों के दोस्त भी साबित नहीं हुए। राज्यसभा की सीट भी दिलवा दी बेईमानी करके, उसके बाद भी सुभाष चंद्रा आज पीछे क्यों जा रहे हैं? शायद लग रहा है कि अब सितारे बदलने वाले हैं, सरकार बदलने वाली है। दोस्तों कैसा लगा ये खुलासा? दोस्तों कैसी लगी ये माफी सुभाष चंद्रा की, बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद। आजाद हिंद न्यूज देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ये अंदाज कैसा लगा इस बारे में भी कॉमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।